हेलो फीजोशीज वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजोशी वर्ल्ड आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा माय डैम बिजनेस का एपिसोड फोर लेकर आई हूं अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, दे दूंगी प्लीज डू दू, चेक इट आउट सो विदाउट फर्दर लेट्स गेट इन टू द वीडियो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नशे की हालत में यूजीन और शुवान एक दूसरे को किश करते हैं और यूजीन शुान से पूछता है कि क्या वो उसे डेट आगे हम देखते हैं कि अगले दिन शुआन जीयन से मिलने जाता है और उसे उसका यूएस बी ड्राइव लौट आता है जियोन उस वक्त अपना वेबटून लिखने की कोशिश में लगी होती है शुवान को चेयर पर एक सॉफ़्ट टॉय मिलता है वो जियून से टॉय के बारे में पूछता है जियन उसे बताती है कि ये पोस्चर करेक्शन डॉल है जो ठीक से बैठने में मदद करती है जियोन से आगे कुछ भी स्टोरी लिखा नहीं जाता है इसलिए वो परेशान होकर शुवान से कुछ आइडियाज़ मांगती है पर पशुवान उसे कुछ भी पूछने के लिए साफ-साफ मना कर देता है फिर भी जीयून शुवान से पूछती है कि एक-एक लड़की को किस करने में कैसा फील होता है ये सवाल सुनकर शुवान को अपने और यूजीन की किस याद आ जाती है वो बिना सोचे समझे शुवान को बताता है कि एक लड़के को किस करने पर सोजू फ्लेवर जैसा स्वीट सा टेस्ट आता है जीयून शुवान का जवाब सुनकर हंसती है और उसे पागल बुलाती है जीयून डिसाइड करती है कि वो किसी और से इस सवाल का जवाब मांगेगी नेक्स्ट डे ऑफिस में अचानक शुवान के कमर में दर्द होने लगता है वो जीयून के घर से डॉल लेकर आया था उसे वो अपने पेट के पास रख कर काम करने की कोशिश करता हैं तभी यूजीन वहाँ आता है शुहान को अपनी कमर पकड़ता देख वो समझ जाता है कि शुहान को कमर में दर्द है शिवान बताता है कि कल शायद सोफा मूव करते समय उसे कमर में मोच आ गई होगी यूजीन तुरंत शिवान के पास आता है और उसे मसाज देने को बोलता है हालांकि शिवान उसे मना करने की कोशिश करता है पर यूजीन उसे ये कहकर चुप करा देता है कि वो मसाज देने में एक्सपर्ट है उसके बाद वो शिवान के पीठ और कमर दबाने लगता है ठीक उसी समय उस किस्मत से या फिर बदकिस्मती से मिस्टर हवांग किसी काम के सिलसिले में वहां आता है उन्हें इस तरह देखकर उसके हाथ से फाइल तक छूट कर गिर जाती है वो चौंक कर उनसे कहता है कि अब तो वो लोग खुलेआम ये सब करने लगे हैं इससे पहले शुवान मिस्टर हवांग को समझा पाता है कि ये बस एक गलत फहमी है मिस्टर हवांग वहाँ से चला जाता है पर यूजीन को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वो शुवान को काम के बाद बाहर चलने को पूछता है उसे वैसे भी अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है शुवान कहने की कोशिश करता है कि आज उसे बहुत काम करना है फिर भी यूजीन उसे काम के बाद मिलने को बोलकर अपना काम करने चला जाता है सुबह तो शुवान यूजीन के साथ जाने के लिए मना कर रहा था पर शाम होते ही वो फोन में अपना चेहरा निहारने लगता है कि वो ठीक दिख तो रहा है तभी यूजीन को अचानक याद आता है कि आज तो उसकी डायरेक्टर के साथ डिनर मीटिंग है इसलिए वो शुहान के साथ कहीं नहीं जा सकता है यूजिन शुवान को सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो अगली बार उसे कहीं अच्छी जगह ले जाएगा शुवान दिखाता तो है कि उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है पर उसका मूड खराब हो जाता है यूजीन को भी अंदाजा हो जाता है इसलिए शुवान को मनाने के लिए वो उसके गाल पर किस करके वहाँ से चला जाता है बेचारा शुवान ने ये किस एक्सपेक्ट नहीं किया था इसलिए शर्म के मारे उसके कान ला बेहाल जाते हैं थोड़ी देर में काम खत्म करके शुवान ऑफिस से बाहर आता है तो वो सीढ़ी के पास यूजीन को अपने दोस्त से बात करते हुए देखता है यूजीन की नज़र शुवान पर नहीं जाती है वो अपने दोस्त को समझाता है कि वो अपने से इतनी छोटे उम्र के पर्सन को कैसे डेट कर सकता है उसका दोस्त उसे कल मिलने को बुलाता है पर यूजीन के कल कुछ प्लान्स होते इसलिए वो मना कर देता है और वीकेंड पर मिलने को कहता है जब यूजीन के दोस्त यूजीन से कुछ पूछता है तो यूजीन कहता है कि उसे ऐसी चीजें कैजुअल रखना पसंद है सुवान ने ये तो नहीं सुना होता है कि यूजीन का दोस्त क्या कह रहा है पर यूजीन की बातें सुनकर सुवान को लगने लगता है कि यूजीन उसके फीलिंग के साथ बस खेल रहा है वो उनके लिए सीरियस नहीं है सुवान वहां से जाने वाला होता है कि यूजीन अपने बात खत्म करके उसके पास आता है। वो शुवान का गाल छूने वाला होता है कि शुवान उसका हाथ झटक देता है ये बोलकर वो सिगरेट जैसे स्मेल कर रहा है यूजीन शुवान से सॉरी बोलता है वो वैसे भी अभी बात करते वक्त सिगरेट ही पी रहा था शिवान यूजीन से बिना आगे कुछ कहे घर चला जाता है रात को घर पर शिवान के दिमाग में बार बार यूजीन की बातें घूम रही होती है वो जब भी इस बारे में सोचता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो हॉट फील करता है अगले दिन ऑफिस में शिवान से एक रिपोर्ट में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है और वो गलती से उस रिपोर्ट को क्लाइंट के पास भेज देता है यूजीन किसी तरह उस क्लाइंट से बात करने की कोशिश करता है और चीज़ों को ठीक करने में लग जाते हैं वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस रिपोर्ट को सुधार कर क्लाइंट के पास भेजने का वादा करते हैं क्लाइंट से उनकी काफ़ी लंबे समय तक डील होते आई है इसलिए क्लाइंट मान जाता है बात खत्म करने के बाद यूजीन शुवान से कहता है कि उसने आज तक कोई गलती नहीं की तो फिर आज उससे गलती कैसे हो गई अगर कोई और कंपनी होती तो शायद वो लोग ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाते वो लोग वैसे ही प्रॉब्लम में हैं कम से कम उसे तो अपने रेपुटेशन का ख्याल रखना होगा ताकि बाहर उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए शुवान यूजीन से माफी मांगता है यूजीन कहता है कि अगर कल बिजनेस ट्रिप अच्छे से खत्म हो जाती है तो शायद अब उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी शुवान फ्रेश हवा में सांस लेने को बोल बाहर चला जाता है यूजीन समझ जाता है कि अभी जो हुआ है उस बात को लेकर शुवान परेशान है यूजीन से रहा नहीं जाता है और वो शुवान के पीछे पीछे जाते जाते हैं हैं। और उसके बगल में बैठ यूजीन उसे ज्यादा टेंशन नहीं लेने को कहता है क्योंकि उन लोगों ने तो मैटर सॉल्व कर दिया वैसे भी वो लोग सिर्फ दो ही हैं, तो कभी कभी ऐसी गलतियां होंगी ही आगे यूजीन कहता है कि कल जब वो लोग बिजनेस ट्रिप पर जाएंगे तो उनकी ये पहली रात होगी जब वो लोग एक साथ होंगे कल तो वो उसका होगा शुान चुपचाप चुप यूजीन की बातें सुनते रहता है यूजीन जब शुवान को किस करने की कोशिश करता है तो शुान उससे दूर हो जाता है और गुस्से में कहता है कि ये कंपनी है और उसे कैजुअल रिलेशनशिप पसंद नहीं है वो उसकी तरह नहीं है इसलिए यूजीन को किसी और को ढूंढ लेना चाहिए इतना कहकर शुान वहाँ से चला जाता है यूजीन को समझ नहीं आता है कि शुआन अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है तो कुछ इस तरह एपिसोड फोर यहीं पर खत्म होता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो बहुत जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड इस में देन बाय बाय